Hi everyone, welcome to my YouTube channel Lifeline. This is my first video on YouTube. So firstly, मैं आपको अपना short सा introduction करवाता हूँ. My name is Usama और मैंने recently due to pandemic COVID-19 खुशकिस्मती से कह लें या बदकिस्मती से कह लें, मैं भी उन students में शामिल हूँ जिन्होंने without exam अपनी FSC को या college exam को pass कर लिया है. तो मैंने अपनी फर्स्ट ईयर निषाद कॉलेज मुल्तान से की और मैंने अपनी सेकंड ईयर जो थी वो मुस्लिम कॉलेज मुल्तान से की. मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो कॉलेज स्कूल में तो बहुत अच्छे स्कोर करके आए थे लेकिन कॉलेज में आके बुरी तरह फेल हो गए. तो मैंने सोचा, मैंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व किया उन चीज़ों को और फिर मैंने सोचा कि कुछ क्यों ना कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी एक नया इंटेक स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में जाएंगे, स्कूल से कॉलेज में जाएंगे, तो उनके लिए मैंने कहा हेल्पफुल हो, मैं ऐसे एक वीडियो बनाऊं. सो मेरे पास जो क्वेश्चन था कि व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, सो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज और हाउ वी कैन इरेडिकेट ऑल दोज प्रॉब्लम्स अमंग द स्टूडेंट्स. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फेलियर को या रीजन ऑफ फेलियर को. सो नंबर वन पे जो है वो नर्वस हैबिट है. अब नर्वस हैबिट से मुराद ये है कि एक स्टूडेंट है जो बुक तो ले लेता है, एडमिशन भी ले लेता है और वो बैठ के कहता है कि मैं एक डेस्क पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट करूं. वो क्या करता है कि बुक तो खोलता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि मैंने शायद मेरा जो व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया हो या मुझे फेसबुक पर किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो क्या करता है मोबाइल उठा लेता है और उसका सारी जो कंसंट्रेशन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है पढ़ाई पे. तो वो एज अ रिज़ल्ट वो अपनी फुल जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई को नहीं दे सकता. वो ये नहीं कि एक नर्वस हैबिट है ये. और उसके बाद ये भी एक नर्वस हैबिट ही है कि आप आज का काम कल पे छोड़ देते हैं कि चलो मैं आज नहीं पढ़ता, सुबह फर्स्ट टाइम उठ के पढ़ लूँगा, सुबह फर्स्ट टाइम जो उठ के नहीं पढ़ता चलो कल शाम को पढ़ लूँगा. इस तरह करते करते आप क्या करते हैं, आप बहुत सारा टाइम अपना ज़ाया कर लेते हैं और एज अ रिज़ल्ट आप फेल हो जाते हैं. अब रीज़न ऑफ फेलियर में दूसरे नंबर पे जो है वो मिस्टेकन एम्बिशन है. जो मिस्टेकन एम्बिशन है वो एक्चुअली पेरेंट्स का फॉल्ट है. वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, जबकि जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूँ. तो वो क्या कहते हैं, उसे ज़बरदस्ती फोर्स करके उसे FSC मेडिकल तो करवा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपके लिए FSC मेडिकल करनी पड़ेगी और अगर आपने इंजीनियर बनना है तो आपको FSC नॉन मेडिकल करनी पड़ेगी. तो जो वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे को FSC मेडिकल करवा देते हैं जबकि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता. तो एज अ रिज़ल्ट वो अपनी फुल हीट जो होती है ना वो पढ़ाई को नहीं दे सकता, कंसंट्रेट नहीं कर सकता, तो एज अ रिज़ल्ट वो फेल हो जाता है. और नंबर थ्री पे जो है वो मोस्ट पिटिएबल स्टूडेंट हैं, बहुत ही काबिल रहम स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको समझूंगा कि वो स्टूडेंट हैं जो स्कूल में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. वो कहते हैं कि जैसे हमने विद अ लिटिल एफर्ट, हमने थोड़ी सी मेहनत की और हमने स्कूल को पास कर लिया है, सब हम बिल्कुल इसी तरह ही कॉलेज में थोड़ी सी मेहनत करेंगे, एंड पे जाके एक दो माह पढ़ेंगे और हम पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे. तो ऐसा नहीं होता, तो एज अ रिज़ल्ट फिर वो फेल हो जाते हैं. अब नंबर फोर पे जो है वो बैड हेल्थ आ जाता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो बैड हेल्थ होती हैं. बैड हेल्थ से मुराद ये है कि स्टूडेंट है उसको टाइफाइड रहता है, ट्यूबरकुलोसिस का मरीज है, पेशेंट है, या स्लीपिंग सिकनेस का प्रॉब्लम है, या उसके बाद वो पुअर डाइजेशन है, उसको मसला है. तो क्या करेगा, वो बीमार रहेगा और अपनी फुल जो कंसंट्रेट नहीं कर सकेगा पढ़ाई के ऊपर, वो एज अ रिज़ल्ट वो फिर फेल हो जाएगा. अब नंबर फाइव पे है वो मैंने रखा है फाइनेंशियल प्रेशर को. अब फाइनेंशियल प्रेशर से मुराद ये है कुछ वालिदैन होते हैं वो इसको बेहतर समझते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो साथ पढ़ें भी और साथ खुद कमाएं भी, वो इस चीज़ को एक अच्छा समझते हैं. तो क्या कर, बच्चे जो होते हैं वो कॉलेज से आते हैं शाम को, फिर अपनी दुकान कह लें या किसी भी जॉब पे टाइम अपना देते हैं, तो बहुत सारा टाइम उनका वो ज़ाया हो जाता है, बस वो सूरत के वो अपना टाइम पढ़ाई को दें वो किसी और काम को देते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट वो फिर फेल हो जाते हैं. अब नंबर जो सिक्स है वो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सम स्टूडेंट्स हैव इंटरेस्ट इन गेम्स, तो उनकी पढ़ाई में उनका ज़रा भी उनका शौक नहीं होता कि वो पढ़ें या उनको पढ़ाई में दिल नहीं लगता उनका, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं गेम्स खेलने में, तो एज अ रिज़ल्ट वो उनको वो
फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़ाई को टाइम नहीं दे सकते, वो सारा दिन गेम खेलते रहते हैं, गेम्स में लगे रहते हैं, तो एज अ रिजल्ट वो फेल हो जाते हैं फिर। अब नंबर जो 7 है वो बैड कंपनी है। बैड कंपनी से मुराद ये है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आप जब चूज़ करते हैं तो आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए। जो आपके फ्रेंड होते हैं बहुत किरदार अदा करते हैं आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, तो आप अपने फ्रेंड्स जो थे फ्रेंड्स की वजह से आप फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है जब आपकी एक आप कंपनी में जाते हैं, अगर वो कंपनी में स्मोकिंग है, वो गैम्बल करते हैं या व्हाटएवर कोई चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप भी उनके साथ अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है इस तरह, और एज अ रिजल्ट फिर आप फेल हो जाते हैं। अब जो नंबर 8 पे है वो मैं कहूँगा कि वो मैंने जो रखा है वो मैंने रखा है कि पूंडी को। अब पूंडी जो है वो इसको ये कह सकते हैं कि इश्क मशूकी जिसे बोलते हैं, तो इसका ये होता है कि क्योंकि आप स्कूल से जाते हैं कॉलेज में, जब बहुत सारे स्कूल से बच्चे आए होते हैं पढ़ने के लिए कॉलेज में, तो बहुत सारी उनकी इंगेजमेंट भी हुई होती है और बहुत सारे होते हैं वो इंगेज होते हैं अपनी कज़न के साथ, किसी के साथ भी हो सकते हैं वो इंगेज, वो इंगेज होते हैं जब, तो एक जो स्टूडेंट है वो समझता है कि मेरे पास भी होना चाहिए ये, क्योंकि वो उनके फ्रेंड होते हैं, वो बातें जब करते हैं गर्ल्स के साथ बातें करते हैं, अपना टाइम बहुत सारा वहाँ पे ज़ाया कर देते हैं, तो एज रिज़ल्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये करते हैं कि वो चले जाते हैं कॉलेज के बाहर खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि लड़कियों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो कहते हैं कि चलो हमारे पास भी कोई होनी चाहिए जिससे हम बात करें, इस तरह वो अपना वो पढ़ाई पे फुल अपना हीट नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, तो एज अ रिज़ल्ट वो फिर फेल हो जाते हैं। ये तो थी प्रॉब्लम्स कुछ के वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, ये प्रॉब्लम्स थी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन इरेडिकेट ऑल दीज प्रॉब्लम्स अमंग द स्टूडेंट्स। सो फर्स्टली मैंने रखा था नर्वस हैबिट को। अब नर्वस हैबिट को रिमूव करने का, इरेडिकेट करने का सिर्फ यही है, हम तो सिर्फ जो दूसरे होते हैं वो सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आप में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, जबकि अगर उसको इरेडिकेट करने की बात की जाए तो वो सिर्फ वो स्टूडेंट ही कर सकता है, उसके अलावा कोई भी उसको ख़त्म नहीं कर सकता नर्वस हैबिट को। और स्टूडेंट्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो अपने काम को, अगर आज कल उनको जो भी असाइनमेंट मिली है वो आज के काम को आज ही ख़त्म करके सोएं, जो आज का काम है वो आप आज ही कंप्लीट करें अपना। और जो दूसरे नंबर पे था मिस्टेक एंड एम्बिशन, उसको इरेडिकेट करने का ये एक सलूशन है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे के इंटरेस्ट को देखे कि बच्चा क्या डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो आपको उसे इंजीनियर ही बनाना चाहिए, एज अ रिजल्ट कि आप उसे मेडिकल में एडमिशन दिलवा दें वो ना तो वो मेडिकल कर सके और ना वो इंजीनियरिंग कर सके, तो एज अ रिजल्ट फिर वो दुनिया फेल होकर रह जाएगा, क्योंकि वो अपनी ना तो कंसंट्रेट कर सकेगा ऐसे मेडिकल पर, ना वो कर सकेगा अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि वो डिस्टेस्ट हो जाएगी चीज़ उसके लिए, तो ऐसा रिजल्ट वो फिर फेल हो जाएगा। तो इसको फिर वालदैन को चाहिए कि वो उस बच्चे को वही करवाएं जो वो करना चाहता है। और जो नंबर 3 पे था मोस्ट पिटिएबल स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको कहा था कि वो समझते हैं कि हमने जैसे मैट्रिक में थोड़ी सी मेहनत की थी, एंड वाले एक महीने की थी, हम पास हो गए हैं, अब हम फैसी में भी इतनी मेहनत ही करेंगे और पास हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। कि आपको ये समझना चाहिए कि जो FSC है और मैट्रिक है ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, इसमें ज़मीन और आसमान का, अगर मैं इसे पुल सरात के साथ कंपेयर करूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि पुल सरात के आगे जन्नत होगी और उसके नीचे जहन्नम के गड़े होंगे। सेम इसी तरह आपकी लाइफ में FSC भी कुछ ऐसा ही रोल प्ले करती है कि FSC के आगे आपका जो फ्यूचर होता है वह सिक्योर होता है, जैसा कि आपको FSC के मार्क्स पे ही इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, अगर आप FSC से लुढ़क जाते हैं या FSC से आप बिल्कुल फेल हो जाते हैं, FSC में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करते, तो एज अ रिजल्ट आप फेल हो जाएंगे। तो आपको इस बात पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि ये आपके लिए फुल सरात की अहमियत रखता है और आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और अपना जो मैं कहूँगा कि आपको डेली का काम, आपको असाइनमेंट जो मिले वो आप डेली उसको कवर करके सोएं। अब नंबर 5 पे था फाइनेंशियल प्रेशर। अब इसको अवॉइड करने का, इरेडिकेट करने का यही एक तरीका है कि पेरेंट्स को चाहिए वो समझें और अपने बच्चे पर उतना बोझ ना डालें जितना वो अफोर्ड नहीं कर सकता या बेयर नहीं कर सकता। तो अब पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन्हें पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम दें, उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिससे वो अपने फुल कंसंट्रेट कर सके अपनी स्टडीज़ के ऊपर। और ये भी एक चीज़ है कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखा है कि वाकई उनके इश्यूज़ होते हैं, वो घरेलू जो फाइनेंशियल प्रेशर वाकई उनका होता है कि वो फाइनेंशियल तौर पर इतने मजबूत नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उनको तो एक
मजबूरी है उनकी, तो उनके लिए ये बेहतर है कि वो अपने टाइम को डिवाइड कर लें, अपने टाइम को मैनेज करें। सपोज कि अगर वो सुबह टाइम कॉलेज जाते हैं, शाम को काम करते हैं, तो अपने रात को अपने टाइम को अपने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लें। वो करें कि अगर उनके पास बायो है पढ़ने के लिए, या केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, तो वो एक एक घंटे पर डिवाइड कर लें, अपने टाइम को मैनेज करना सीखें, क्योंकि वो भी कामयाब हो सकते हैं। एंड पे आपके पास ये नहीं होता कि आप दूसरों को ये समझा दें कि मैंने ये काम किया था इस वजह से मैं फेल हो गया, ऐसी बात नहीं होती। अब ये सब कुछ आपने टाइम मैनेज करना होता है। जब आपकी जितनी मैनेजमेंट आपकी अच्छी होगी, आप उतना ही आपके फ्यूचर में कामयाब होने के चांसेस ब्राइटर होते हैं। अब जो नंबर 6 था, जो प्लेयर्स, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो खेलने में इंटरेस्टेड होते हैं, अब इनका ये सलूशन है कि उनको चाहिए, अगर तो वो वाकई ही अबिलिटीज रखते हैं, प्रोफेशनल अबिलिटीज रखते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि उनको फिर पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। वो अपना ज़्यादा फोकस करें अपने खेल के ऊपर, जिसमें वो एक अच्छा प्ले रोल कर सकते हैं। वो नो डाउट कि वो हो सकता है, वट एवर कोई भी फील्ड हो सकती है, जैसा कि क्रिकेट में इंटरेस्टेड है कोई पर्सन, अगर वो क्रिकेट अच्छी खेल लेता है तो क्रिकेट में अपने फोकस करें। अगर वो हॉकी में है तो वो उसे हॉकी पर फोकस करना चाहिए। अगर वो इन दोनों में नहीं है, सिर्फ एवरेज है, तो मैं कहूँगा उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। जब तक उसे प्रोफेशनल वो उसमें एबिलिटीज नहीं पाई जाती, वो अपनी पढ़ाई को मत छोड़े। अगर उसमें प्रोफेशनल एबिलिटीज हैं तो वो पढ़ाई को छोड़ दे, तो उससे फिर मैं कहूँगा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा प्ले रोल अदा कर सकता है, अपने फ्यूचर में फाइनेंशियली मजबूत हो सकता है। क्योंकि सिर्फ एक पढ़ना ही नहीं होता कि हर चीज़ पढ़ना ही होता है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ कि देखें, जो पढ़ाई होती है ना, वो टोटली डिफरेंट है जॉब से। अब जो पढ़ते हैं वो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि आपको जॉब हासिल करने के लिए पढ़ना चाहिए। तो आपको जो पढ़ाई है वो सिर्फ आपको शऊर सिखाती है, ना कि आप जॉब लेने के लिए पढ़ें आपके मुझे जॉब मिलेगी तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, ये कोई बात नहीं है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो नहीं पढ़े थे, वो कामयाब हैं, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। इसलिए आपको आपके अंदर जो एबिलिटी पाई जाती है, आपको उसको पहचानना चाहिए। अब जो नंबर 7 है बैड कंपनी का, जैसे मैंने कहा था, उसको रेडिकेट करने का ये एक तरीका है कि अब आप अगर क्लास में हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए बैक पंक्चर से, जो एंड पे बैठते हैं, क्योंकि बहुत सारे मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई से भागना चाहते हैं वो एंड पे जाके बैठ जाते हैं। नो डाउट कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, एंड पे भी बैठते हैं लेकिन वो अच्छा स्कोर करते हैं। ये अपने अपने एबिलिटी पे होता है, अपने अपने माइंड लेवल पे होता है कि वो क्या सोचते हैं। और लेकिन मैंने जो देखा है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा, कि एंड पे सिर्फ वही बैठते हैं जिनका कोई खास नहीं होता, वो सिर्फ टाइम अपना पूरा करने आते हैं कॉलेज में 7 घंटे, हमने 7 घंटे या 4 घंटे पूरे करने हैं। तो मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि बैड कंपनी से अवॉइड करें, और स्टूडेंट पे अपने टीचर्स से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करें, और इससे ये होगा कि वो बहुत सारी एबिलिटीज़ उनमें उजागर होंगी और टीचर उनको बहुत सारा अच्छा गाइड करेंगे। अब लास्ट वन जो है वो है पूंडी, जिसको मैंने कहा था कि इसको अब ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसको रिमूव करना, इसको इरेडिकेट करना। इसके लिए सिर्फ एक सलूशन है कि आप गुड फैमिली रिलेशनशिप कैन इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम। अगर आपका अपने पेरेंट्स के साथ आपका फैमिली रिलेशन बहुत अच्छा है, तो आई थिंक आप इस काम से बच सकते हैं। जैसा कि आपके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर होता है कि मैं अपने दिल की बात किसी ऐसे शेयर करूँ जो मेरी बात सुन ले, तो फिर वो किसी को फाउंड करता है। तो इसलिए अगर पेरेंट्स आपके साथ फ्रेंडली माहौल रखते हैं और आप उनके साथ विदाउट हेजिटेशन बातें शेयर कर सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप इससे बच सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे पे कंसंट्रेट करें, उनको बाकायदगी से उनके कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उनके पेरेंट्स स्टूडेंट्स के टीचर के साथ, और वो उनसे रिपोर्ट लें, वीकली रिपोर्ट लें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, वो उसका जो वीकली टेस्ट है वो उसमें क्या उसकी परफॉर्मेंस है। इस तरह बच्चे को बचाया जा सकता है इन सब से। और आप पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि वो बच्चों के साथ फ्रेंडली माहौल रखें, ना कि उनको एज अ मेंटोर या एज अ टीचर ट्रीट करें। आप उनके पेरेंट्स हैं, ना कि आप उनके टीचर हैं। आप उनको एक फ्रेंडली माहौल के साथ, अगर आपने समझाना भी है तो उसके बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि बच्चा समझ सकता है, और आपको उन्हें वैसे ही समझाना चाहिए जिस तरह वो समझना चाहते हैं, प्यार के साथ मोहब्बत के साथ आप उनको समझाएं। तो ये थी, पहले मैंने आपको डिस्कस किया कुछ प्रॉब्लम्स थी, फिर मैंने आपको वो सोल्यूशन बताया जिससे हाउ वी कैन इरेडिकेट ऑल दीज प्रॉब्लम्स अमंग द स्टूडेंट्स। होप यू लाइक माय वीडियो, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओवर एंड आउट।